Close door. Okay, students, look at here. No talking. कल हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड हाउ वी कैन सेट प्रॉपर्टीज इन एक्सटर्नल सीएसएस एंड इन एक्सटर्नल सीएसएस वी डिस्कस हियर कि इफ वी वांट टू अप्लाई द डिजाइन इन एनी कोड एनी पर्टिकुलर टैग कम इन विद Suppose we want to apply the coding on a design on H1. What we will do here? H1. In case we want to apply this in more than one tag, so आपने यहाँ पे H1 या font tag और paragraph tag ये आप type कर सकते हो. So these are selectors. But remember one thing. In case you want to apply the designing on complete page, किसी specific tag के ऊपर apply नहीं करना, तो you can use here one universal tag that is star. इसे कहते हैं universal selector. ये just like body, जैसे body के ऊपर आप apply करते हो coding, ये पूरे के पूरे web page के ऊपर apply हो जाएगी. Is it clear? So this is called universal selector. Otherwise, आप यहाँ पे देखते हो H1, H2, these are selectors, these are tags. बट जब आप स्टार दे देते हो यहाँ पे इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सिलेक्टर. पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट इज यूनिवर्सल सिलेक्टर. इट इज अ सिलेक्टर द डिजाइनिंग इज एप्लीकेबल ऑन कंप्लीट पेज बाय यूजिंग दिस. ठीक है, तो नोट डाउन दिस. सो योर टॉपिक इज यूनिवर्सल सिलेक्टर. अब आप कहीं पे भी इसको अप्लाई करके देखो कि कंप्लीट वेब पेज के ऊपर यह अप्लाई हो जाएगा. Next, yesterday we discussed about background properties. Then we discussed there are some font properties. और उसके बाद हमने discussion शुरू की थी text properties के ऊपर. ठीक है, तो ये note कर लो. Then we will start text properties. Now look at here. Text properties. Commands in CSS. जैसे आपके पास in HTML these are called tags. पर अगर आप यूज कर रहे हो CSS these are called properties. ठीक है, कौन कौन सी properties हैं? Text property. Text indent. In क्लास नाइन्थ आपने एक टॉपिक था सिलेबस में इंडेंटेशन. व्हाट इज इंडेंटेशन? डिस्टेंस बिटवीन योर टेक्स्ट बाउंड्री एंड टेक्स्ट. ठीक है, टेक्स्ट की जो आपके पास पेज का बॉर्डर बॉर्डर हो आपके पास, ये मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ इन एमएस वर्ड. So look at here. जैसे यहां पे मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर रहा हूं, ये आपका मार्जिन्स है. ठीक है, मार्जिन्स और टेक्स्ट में जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है दैट्स कॉल्ड इंडेंटेशन. ये देखो मैंने यहां से टेक्स्ट में से इंडेंटेशन अप्लाई कर दी. अब ये मार्जिन है, ये आपके पास मार्जिन्स आ गए और जो गैप बिटवीन टेक्स्ट एंड मार्जिन दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे हमने देर आर टू एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग. आपने दो बॉडी टैग के उसमें सॉरी उसमें इन केस ऑफ इमेज एक आपने किया था डिस्कशन एच स्पेस किया हुआ आपने एट्रीब्यूट्स
the case of HTML, there is one attribute, H space. And in the same case, in the case of body tag, there is a top margin, left margin and a which margin? Top margin. ठीक है? तो ऐसे ही आपके पास वो indentation ही है, ठीक है? अगर आपने indentation in, you want to apply in CSS, the ways pixels like this. इन अगर आपने p tag में apply कर लोगे ये body, ये design, तो paragraph में indentation आ जाएगी, ठीक है? इमेज के ऊपर अप्लाई करोगे इमेज में इंडेंटेशन आ जाएगी, ठीक है? इन टेबल इफ यू अप्लाई दिस इन टेबल, टेबल में इंडेंटेशन आ जाएगी. तो टेबल मार्जिन से, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर आएगा. सो दिस इज योर टेक्स्ट इंडेंटेशन. सो यू विल गिव इन पिक्सल्स. नेक्स्ट इज टेक्स्ट अलाइन. So we know that alignment means placement of your data. Okay. So different values you can give here. Left. Okay. You can take here right. You can take here justify. So right, left, justify. These are different properties of different values we can assign to text align property. Right. Left, justify. Okay. Next is here is text decoration. So in MS Word, there is one feature. You can make your text underlined. Okay, overline or strike through. Overline means text के ऊपर की तरफ line आ रही है, underline नीचे की तरफ आ रही है, और strike through center में आ रही है. तो same thing we can apply in CSS by using text decoration underline. Okay, so there will be text will be underlined. And in case we type here overline, so line will be above the text. And in case line through, तो line through में बेटा अपने यहां पे तो आपने apply करना है, ठीक है? Line through से क्या होगा, line center में आएगी, ठीक है? और these are the different values, underline, overline and blinking text. So blink bhi likh sakte ho aap usko. Blink likhoge to text blink karega aapke paas. So this is your text decoration. So in text decoration you can line through, you can apply underline, overline and blink. Next is aapne simply ye karna hai, aapne underline karna hai, to underline. And after that you will use semicolon, so ye underline ho jayega. No, it will preloaded of time set. So next is then next is word spacing. So word spacing is a distance between two words. By default preloaded style होता है. अगर आपने word space देते हो इन words में, तो एक word से दूसरे words में कितना distance आए, ठीक है? तो you can give in pixels like this. So this is called word spacing. So busy in your work, ठीक है? And you know that in November or December exam है, ठीक है? और एमसीक्यू एग्जाम में यहाँ तो फुल मार्क्स आएगा और यहाँ पे जीरो होंगे, और सीबीएसई पेपर सीबीएसई की तरफ से आना है. नेक्स्ट इज
नाउ स्पेस बिटवीन करेक्टर्स, ओके, जैसे आपके पास टेक्स्ट आपने लिखा है यहां पे, ठीक है, अगर आपने टेक्स्ट की करेक्टर्स के बीच में अगर स्पेस लेके आनी है लाइक दिस, ये स्पेसेस, ये तो हम दे रहे हैं स्पेसेस, बट इन सीएसएस ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी. हाउ वी कैन अप्लाई दिस, सो वर्ड स्पेसिंग इज अ स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, बट इफ यू वांट टू गिव द स्पेस बिटवीन डिफरेंट लेटर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स, सो देयर इज लेटर स्पेसिंग, ठीक है, नो डाउट लेटर स्पेसिंग. Here you can give in pixels like 7 pixels. So these are letter spacing. Next is text formation. Okay, students. In an MS Word. There is one topic, change case. It means your character is converted into capitals or smalls. ठीक है, तो ऐसे अगर आपने यहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल होता है आपके पास इन एम एस वर्ड में, ठीक है, और राइटर में भी अवेलेबल है. इन सी एस एस यू इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई टेक्स्ट फॉर्मेशन, तो देयर इज कैपिटलाइज means your character will be converted into capital letter. अगर आपके small letter में आपने data दिया हुआ है, automatically वो किस में convert हो जाएगा? Capital letter. For example, in H1 you apply this property, तो H1 automatically किस में convert हो जाएगा? Capital letters में. If you have given in small letters, or if you have given in capital letters, there will be no any change. So here will be capitalization, capitalized. Then uppercase. बेटा capitalize होगा. कल हमने एक डिस्कशन की थी स्मॉल कैप्स, मींस स्मॉल कैप का मतलब ये होता है कि फर्स्ट कैप्टर आपके पास बिग साइज का था और बाकी स्मॉल केस के थे, ठीक है, तो यहाँ पे इन अपर केस देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन, सारे एक ही साइज के होंगे, तो देयर इज ए अपर केस, हियर इज लोअर केस एंड नन, नन मींस यू डोंट वांट टू अप्लाई एनी टेक्स्ट फॉर्मेशन. इज इट क्लियर? तो ऐसे क्या करते हैं कि आई एम गोइंग टू अप्लाई दीज प्रॉपर्टीज ऑन टेक्स्ट, ठीक है, तो ये मैं अप्लाई करने जा रहा हूं. आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन H1. बेटा नो टॉकिंग एंड in paragraph tag I am applying rest of properties. But remember one thing, these properties are separated by semicolon. Clear? तो आपने semicolon यहां पर लगाना है. Last statement में, last property में you can skip the semicolon. So this is my CSS file. I am saving this. And in my web page, मैंने फाइल को इंपोर्ट कर लिया, H1 दे दिया, यहां पे मैंने पैराग्राफ नहीं दिया, तो आई एम गोइंग टू डिक्लेयर पी टैग हियर फॉर पैराग्राफ. And now I am saving this.
students, behave yourself. This is your browser view. ये देखो different characters के बीच में there is a character spacing और words के बीच में word spacing और your heading is हमने वहां पे एक apply किया था upper case apply किया था एक मिनट में चेक करने दो यहाँ पे कोडिंग पहले एक बार चेक कर लेते हैं इन CSS we applied indentation देखो यहाँ से gap आ रहा आगे से indentation 30 pixels okay अगर आप इसको increase करते हो suppose I am taking here 50 तो आप थोड़ा सा और आगे move हो जाएगा ठीक है तो this is indentation and then we text alignment justify your text is no in case you are using this in paragraph in that case justify is you can apply justify otherwise agar aapka text kam hai to justify itna relevant nahi hoga theek hai to yahan pe aap right left de sakte ho that is better aur uske baad text decoration underline so it is underlined and in paragraph we are taking here word spacing letter spacing and here is text formation uppercase पर text formation यहाँ पे uppercase में नहीं आई है here not a formation it is transformation with her. transform ठीक है तो नोट डाउन दिस दीज प्रॉपर्टीज नाउ आफ्टर दैट वी विल अप्लाई मार्जिन्स आपने देखा होगा कि इफ यू वांट टू गिव द मार्जिन्स इन पेज और पैराग्राफ के आसपास मार्जिन देना चाहते हो ठीक है तो वी विल डू दैट नाउ तो अभी तक हमने जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं दीज आर टेक्स्ट प्रॉपर्टीज फॉन्ट प्रॉपर्टीज एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज ओके नाउ नेक्स्ट इज इफ यू वांट टू अप्लाई दिस अप्लाई कर लो ये अप्लाई कर दिया In HTML, you are just including link tag to import the CSS file. In MS Word, how many type of margins? Yes, I am including. margin there are top margin bottom right and left margin four type of margins are there in the same way in css we have some properties regarding margins these are to hum jo discuss karne ja rahe hain that is margins property agar humne margins dene hain there is a margin top so top side mein ye agar aap paragraph mein lagaoge to paragraph mein margins aayenge theek hai if you apply in body to body tag mein aayenge in case you apply in table tag mein aayenge image mein lagaoge to image mein aayenge aapke paas margins aayega gap aayega space aayegi top margin then in pixels okay then if you want to give bottom margin or again pixels ठीक है margin left these are properties
सो दीज आर दी मार्जिन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं कि इसको अप्लाई कर देते हैं पैराग्राफ के ऊपर। आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस इन ऑन पैराग्राफ, लुक एट हियर इन सीएसएस। आई अप्लाई दीज प्रॉपर्टीज, बट रिमेंबर वन थिंग, देयर शुड बी सेमीकोलन एट द एंड ऑफ योर स्टेटमेंट। आई सेव दिस एंड अप्लाइड। ये देखो बेटा, इधर पैराग्राफ के बिगिनिंग में यहाँ पे इस साइड में मार्जिन आ रहा है, ऊपर की तरफ भी गैप आ गया, ठीक है। अगर मैं नीचे कुछ टाइप करूंगा उस वहां पे भी मार्जिन आएगा, गैप आएगा, मीन स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेसिस आ जाएगी पैराग्राफ के साथ। ये देखो बेटा, दीज आर एक्स्ट्रा स्पेसिस, दीज आर ड्यू टू द मार्जिन, ओके। Now, there are some properties that are linked with the border. Suppose आपने पेज के पैराग्राफ के साइड में बॉर्डर लगाना है, ठीक है। बॉर्डर प्रॉपर्टी, yes, look at here. बॉर्डर प्रॉपर्टी, अगर आप HTML की में डिस्कस करते हो तो हम सिर्फ इमेज के साथ बॉर्डर लगा सकते हैं, पैराग्राफ के साथ नहीं लगा सकते। But in case we want to apply the border in paragraph, in H1, और इन फॉन्ट कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो दीज आर बॉर्डर प्रॉपर्टीज, कैसे अप्लाई करनी है, लुक एट हियर। बॉर्डर विड्थ, ओके, यू विल गिव इन पिक्सल्स, देन बॉर्डर कलर, सपोज इट इज रेड। You can apply, even you can apply the color code. Yes, sir. Pen. Then color border style. But यहाँ पे ये थोड़ी सी interesting है, border style. Here we can apply different styles like dotted, dashed, सॉलिड, देयर आर डिफरेंट। मैं अभी यहाँ पे टाइप भी कर दूंगा कौन कौन से इसके स्टाइल्स हैं। देन तो ये हम क्या करते हैं, पहले अप्लाई करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करते हैं। आई एम कॉपिंग दिस इन पैराग्राफ, आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस। वन इज बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर एंड बॉर्डर स्टाइल। मैं अभी मैंने अभी आपको बताया कि देर आर डिफरेंट स्टाइल्स, वी कैन अप्लाई लेटर, मैं भी बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको पहले अप्लाई करके दिखाने लगा हूँ। तो लुक एट हियर, लुक एट हियर टेक्स्ट, दिस इज बॉर्डर आपके पास हो गया डॉटेड, ठीक है, और साथ में देखो अपने बॉर्डर कलर भी हो गया रेड, और पिक्सल उसका साइज सेट कर, यू कैन इंक्रीज ही साइज। और इन CSS सबसे बड़ी जो एक एडवांटेज है, यू कैन इंक्रीज द साइज अप टू एनी लिमिट, ठीक है, कहीं तक भी लेके जा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आई एम इंक्रीजिंग द साइज ऑफ बॉर्डर फ्रॉम 10 विड्थ से लेके, मैं यहां पे इसको कर रहा हूं 20, ओके। आई एम सेविंग दिस, सो लुक एट हियर, इंक्रीज हो जाएगा साइज, ठीक है। तो स्टाइल जो है हमारे पास, बॉर्डर स्टाइल, ये डिफरेंट स्टाइल्स आर देयर। तो मैं यहाँ पे स्टाइल टाइप कर रहा हूं, कौन कौन से आप स्टाइल ले सकते हो। वन इज डॉटेड, ठीक है, अनदर इज डैश, सॉलिड, डबल। आप एक बार इसको डिफरेंट अप्लाई करके देखो आप। ऐसे करते हैं, हम डैश करके देखते हैं, ठीक है, हमने ऑलरेडी डॉटेड कर चुके हैं,
So in place of dotted, I am using here dashed. Look at here. This is dashed. ठीक है. आप अब यहां पे ले सकते हो double. ठीक है. I am applying this double. Clear. Inset. Okay. Two combinations. One is dark. Another is light. Outset. डार्क नीचे की तरफ आ जाएगा, लाइट ऊपर की तरफ आ जाएगा. देन यू कैन टेक हियर, यू कैन अप्लाई दीज जो मैंने लिखे यहां पर, इसको अप्लाई कर सकते हो. रूप आएगा स्पिनिंग हैंड ऊपर. सो डिफरेंट स्टाइल्स आर देयर. आप अप्लाई करके देखो. अप्लाई दिस. नाउ ओनली द वन मोर थिंग बेटा, इन सीएसएस प्रॉपर्टीज very limited properties are given in your book, in your syllabus you can say, but in reality these are in thousands properties. Agar aap iske agar ek notes banane shuru karo to aapko thousands space se bhi zyada ka aapke paas notes ban jayenge, kyunki itni properties hain har ek ki. Ab ye to ek maine limited properties karayi hain, bahut si cheeze hain to aap is jo apply kar sakte with the help of properties. Okay, to there is a last properties that are given in your book, that is padding. ठीक है. जब हम table हमने discussion किए थे, there are two attribute. One is yes cell spacing, cell padding. तो padding क्या थी? Just like आपके पास जैसे indentation होती है वैसी होती है. ठीक है. तो extra space between cell boundary and text, उसपे जो extra space है, this is called padding. तो in case you want to apply padding, आपने अगर देते हो पैडिंग, देन हियर 20 pixels, 10 pixels, 10 pixels, व्हाट इट मींस बेटा? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब है राइट लेफ्ट टॉप बॉटम करके हमारे पास ये पिक्सल्स आएंगे. पर अगर आप स्पेसिफिक करना चाहते हो लाइक पैडिंग लेफ्ट, ठीक है, तो 20 पिक्सल्स आप ऐसे भी दे सकते हो. तो पैडिंग राइट लेफ्ट टॉप बॉटम ये आपके पास है. इट इज वेरी सिमिलर टू दी यू कैन से इंडेंटेशन, वेरी सिमिलर टू इंडेंटेशन, बट ट्राई टू अप्लाई दिस ऑन सेल्स तो आपको ज्यादा ठीक से लगेगा. क्योंकि यहाँ पे आप क्या करो कि सपोज यू वांट टू अप्लाई इन सेल, तो आपने टीडी में दे दो इसको कर्ली ब्रैकेट लगा के. ठीक है, तो नेचुरली इसको यहाँ पे क्लोज कर दोगे और सेमी कोलन लगा दोगे तो ये टीडी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी. सो दीज आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज यू कैन यूज इट. ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज को. इन द केस ऑफ योर बैकग्राउंड, there is background color, background image, background repeat. In the case of your margins, margin top, margin right, margin bottom, margin left. Or in case you want to apply in text, there are different properties are text indent, text decoration, text spacing, text aligned, word spacing, then text
स्किल्स, तो ये आपके पास, ये आपने एक यू रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज, ठीक है, दैट इज गिवन इन योर बुक बेटर. ओके स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर नाउ, आई एम गोइंग टू क्लोज द मीटिंग.